हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं स्टार। और आज मैं फिर से खेलने वाला हूं फार्मिंग सिम्युलेटर 19 और आज मैं दिखाता हूं आपको रोटावेटर, रोटावेटर का मोड। भाई बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कई दिनों से, एक भाई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है और एक दो और भाइयों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने बहुत सर्च करा तब जाके मुझे एक रोटावेटर का मोड मिला है। एक ही मोड है इंटरनेट पर और कहीं पर भी ये मोड नहीं मिला। तो चलो यार जल्दी से दिखाता हूँ आपको ये रोटावेटर, आखिर ये रोटावेटर, टिलर, कल्टीवेटर, ये सब इनमें क्या क्या फ़र्क है और इनको किस किस नाम से बुलाते हैं, ये मैं सब आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलो यार शुरू करता हूँ इसको जल्दी से। वेलकम बैक दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इसके लिए मैंने लिया सोनालिका ट्रैक्टर, क्योंकि भाई इसका भी टेस्ट हो जाएगा साथ साथ, तो शॉप को लगाऊंगा यहाँ पर। और ये मोड जो है वैसे तो लिजार्ड कंपनी का है, लेकिन इसे बनाया शायद एक रशियन भाई ने। तो ये हमें मिलेगा प्लो कल्टीवेटर में, तो ये है भाई लिजार्ड और इसका नाम बहुत ही अजीबोगरीब है, मुझे लगता है रशियन में है ये। तो ये ग्लैबोर्गी ज़ारका इसका नाम है। तो ये एक ही कल्टीवेटर है, इसको करेंगे एक बाई और इसका एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। स्पीड 14 की है, 32 हॉर्स पावर का है ये। इसके अंदर जो मोटर लगी है 32 हॉर्स पावर की, इसके आगे शायद मोटर लगी है यहाँ पे। तो ये मोटर इस इससे ट्रैक्टर से कनेक्ट होती है, फिर उसको घुमाती है। तो इसके नीचे ब्लेड लगे हैं और इसका टेक्स्चर अगर आप देखो, इसका डिज़ाइन तो सही है, लेकिन ये कलर देख रहे हो आप बहुत पुराना लग रहा है, किसी पुराने ज़माने का है, क्योंकि आजकल ऐसे आते नहीं हैं। आजकल तो नए नए कल्टीवेटर आ गए हैं, नए नए प्लो आ गए हैं। तो भाई एक ही मोड मिला मुझे बड़ी मुश्किल से, तो मैं आपके लिए लाया ढूंढ के। चलो यार इसको करते हैं भाई जल्दी से, देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो ये आ गया भाई अपना, ये छोटा सा ही है 2-3 मीटर का। तो इसको लगाते हैं और अपना सोनाली का स्टार्ट हो गया, ले चलते हैं इसको पीछे ज़रा, इसको अटैच करते हैं इसके साथ। तो लो भाई ये लग गया इसके पीछे, बाहर से देखते हैं एक बार। तो इसके नीचे देख रहे हो आप रोटर लगे हुए हैं, मतलब ब्लेड लगे हुए हैं। तो अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये चल पड़ा, तो ये देख रहे हो आप ये घूमने लगे। तो ये भी करते हैं कल्टीवेटिंग का काम। तो मैंने आपको वैसे छोटे छोटे ट्रैक्टर दिखाए थे, उसमें मैंने आपको टिलर, इसको टिलर भी बोलते हैं, इसको रोटावेटर भी बोलते हैं, इसको रोटेटर टिलर भी बोलते हैं, इसको कल्टीवेटर भी बोलते हैं। तो हर भाषा मतलब अलग अलग कंट्री के हिसाब से बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में इसको पंजाब में शायद टिलर बोलते हैं। तो टिलर वैसे तो जो भाई घास काटने के काम आता है, जो घास काटने की मशीन होती है आपके घरों में, उसके नीचे लगा रहता है गोल सी मशीन, जैसे फर्श को चमकाने वाली मशीन होती है नीचे, वो गोल से घूमते रहते हैं ऐसे। उसमें ये ब्लेड जो हैं, इसमें तो ब्लेड लगे हैं ऐसे, उसमें लगे रहते हैं नीचे की तरफ, तो वो नीचे से घास को या मिट्टी को कल्टीवेट करते हैं, ताकि आप बीज वगैरह बो सको या घास काट सको। तो देखते हैं अब यार एक काम कैसे करता है। इसको बी से ऑन कर देंगे और बी से डाउन कर देंगे। लो भाई तो ये टेक्सचर दे रहा है जैसे कल्टीवेट होता है। तो ये टेक्सचर कल्टीवेट का आ रहा है, जैसे हम कल्टीवेट करते हैं, तो सेम वही है। तो यार काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आई थी, मैंने बहुत सर्च करा मिला नहीं, फिर एक साइट पे जाके मुझे मिला है। मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दे दूँगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो छोटे छोटे काम के लिए। तो सोनालिका में बहुत पावर है, उसको बहुत ही आराम से खींच रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही इसको। सोनालिका का ट्रैक्टर भाई बहुत हॉर्स पावर का है और ये लगता है 3 मीटर का, 2 मीटर का ही है ये। ठीक है, तो इससे अच्छा तो अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ तो जो मेरा पुराना खेत का टेक्सचर है वो भी वापस आ रहा है। देखो जो मिट्टी ऊपर लग गई थी, ये देखो इसने वो मिट्टी भी हटा दी, ये जो डस्ट जमी हुई है ये डस्ट भी हटा रहा है। तो इससे हम डस्ट भी साफ़ कर सकते हैं अपने फार्म हाउस के अंदर। ये देखो ये साफ़ कर रहे हैं, नीचे से इसने घास निकाल दी। तो चलो एक बार और चलाते हैं इसको यहाँ पर, एक सेकेंड अगर इसको देखें। और सॉरी मैं ज़रा दोबारा जाके एक बार देखना चाहता था, 2 मीटर का
तो क्योंकि दिखाई रहा है, क्योंकि एक एक हाथ ये हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो 2 मीटर का ये 3 मीटर का नहीं है। तो यही मैं चीज़ भूल गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो 2 मीटर का ये भाई ये। तो फिर इसको करते हैं एक बार ऑन, बी से डाउन, पी से, और ठीक है इसके ब्लेड देख लो कैसे घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो मैंने कुछ टेढ़ी टेढ़ी सी कर दी, चलो मैंने ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ करके। तो ये होता है भाई रोटावेटर, इसको बोलते हैं रोटावेटर यानी रोटेटर टिलर। टिलर छोटे छोटे ट्रैक्टर आते हैं, जो जो घरों में गार्डनिंग के काम आते हैं ना, उसमें ट्रैक्टर होते हैं छोटे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसके नीचे लगा रहता है टिलर, उसके आगे मतलब उसके फ्रंट के नीचे, इंजन के नीचे लगा होते हैं 2 ब्लेड। तो वो भी यही काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। अगर आप गूगल इमेज पे जाके सर्च करो, गूगल इमेज पे जाओ, पहले गूगल खोलो फिर इमेज का बटन दबाओ, उसके बाद वहाँ पे लिखो टिलर, तो आपको बहुत सारी फ़ोटो देखने को मिलेंगे टिलर की, अलग अलग तरह के टिलर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसको एक मिनट, सॉरी, ठीक है, तो इसको उठा लेंगे ऊपर, इसको कर देंगे बंद। तो इसके अंदर एक रोटर लगा हुआ है जो ट्रेलर से अटैच हो गया, और वो रोटर घूम रहा है, उसी से वो ब्लेड घूम रहे हैं। तो ये भाई रोटावेटर का मोड, एक भाई ने बोला था दिखाओ तो मैंने आपको दिखा दिया। तो पिछली बार हमने करी थी यहाँ पे लैंड लेज़र लेवलिंग, लेज़र लैंड लेवलर, वो मैंने, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो इसके अंदर शेड हमारे छोटे हैं तो अंदर यहाँ से घुसा नहीं, तो उसको साइड में खड़ा कर दिया मैंने अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं एक बार इधर देखता हूँ। तो ये यहाँ पर, क्योंकि ये शेड के अंदर जा नहीं रहा, क्योंकि चौड़ाई में ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा है। तो ये अपना फार्म है पुराना, ठीक है भाई, इसको कर सकते हो आप। जो जिस भाई को रोटावेटर से काम करने में मज़ा आता है भाई, वो इस मोड को इस्तेमाल करके इसका पूरा मज़ा ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इस मोड को बढ़िया सा। तो चलो गाइस, ये था आज का वीडियो, ये गेम प्ले छोटा सा ही बनाया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, सिर्फ इसको दिखाना था रोटावेटर को। और भी कई भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग ट्रैक्टर की भाई, लेकिन वो उनके मोड नहीं हैं और मुझे बनाने पड़ेंगे। अगर मैं उनको किसी दूसरे ट्रैक्टर से बनाता हूं तो आप बोलोगे ये वैसा नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं। अभी मैंने स्वराज का मोड बनाया था एक भाई ने, मैंने मॉडिफाई किया था थोड़ा बहुत, तो लेकिन लोग बोल रहे हैं ये स्वराज नहीं है। हाँ भाई, वो स्वराज नहीं है, हमने दूसरे ट्रैक्टर को लेके, स्वराज से मिलता जुलता ट्रैक्टर लेके उसको मॉडिफाई किया है। तो भाई मॉडिफाई करने में 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पूरा ढांचा उसका, लाइट, इंडिकेटर, सब कुछ तैयार करना पड़ता है। तो कई भाई बोलते हैं मेरे लिए स्पेशल मोड बना दो इसका, तो भाई मोड ऐसे नहीं बनते हैं, मोडिंग वाले बहुत पैसे लेते हैं। आप उनके पास जाओगे बोलोगे कोई स्पेशल मोड बना के दो, तो भाई वो 50 से 100 डॉलर ले लेते हैं आराम से। तो हम ये काम नहीं कर रहे, मतलब हम तो आपको सिर्फ गेम प्ले दिखा के दिखा रहे हैं। हाँ, अगर उनके मोड आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अगर उनके मॉडल का इंजन, अब जैसे 3630 न्यू हॉलैंड का बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास कि न्यू हॉलैंड 3630 का वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे, तो भाई उसका कोई 3630 का कोई इंजन तो मिले, क्योंकि उसकी आवाज़ तो चाहिए, उसका इंजन मिलेगा तो मैं उसको किसी और ट्रैक्टर के अंदर फिट करके फिर उसको नाम दे के वैसा बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उसका इंजन ही नहीं मिलेगा, 3630 का इंजन मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको कैसे बनाऊँगा। अगर मैं 3630 की जगह 3630 का इंजन लगाऊंगा तो आप बोलोगे 3630 है, तो ये गड़बड़ होती है भाई। मोड बनाने के लिए ओरिजिनल सामान तो चाहिए होता है, उसके बाद मोडिंग हो सकती है। तो ये होती है मोडिंग भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सरखपाई होती है, ऐसे नहीं होते कि चुटकी मारी और मोड तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था आज का वीडियो, रोटावेटर की रिक्वेस्ट आई थी एक भाई की, तो आप इसको डाउनलोड करो, एंजॉय करो इस मोड को, मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ। हाँ, और स्वराज का लिंक मैंने नहीं दिया था भाई, स्वराज का लिंक मैं डाल देता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप 1 घंटे बाद चेक कर लेना इसका भी, और दूसरा स्वराज का भी आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके उसको भी, स्वराज का भी मज़ा लो और इस रोटावेटर का भी। ठीक है दोस्तों, ओके, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर आप नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। पिछले वीडियो पे काफ़ी डिसलाइक आए हैं उन लोगों के जो मुझे तंग करते हैं, शायद उनके होंगे भाई, लेकिन आप परेशान मत करो, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मोड लाता रहूँगा। गेम आप खरीद लो और आराम से खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 500-600 रुपये कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में, 500-600 की क्या वैल्यू है, 500-600 रुपये तो 10-20 रुपये के बराबर आजकल लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो गेम ले लो यार, खरीद लो अपनी और आराम से खेलो, कोई टेंशन नहीं है। चलो दोस्तों, ओके, बहुत हो गया भाषणबाजी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय।